दोस्तों, कैसे हो आप लोग? उम्मीद है कि आप सब लोग सही होंगे। ठीक है, तो मैं आज बात करना चाहता हूँ 46 कैर के बारे में, जो यमा बाइक्स में आती रहती हैं, जो मैंने अपने इंटर मैंने खुद फेस किया है, तो मैं उस चीज़ के बारे में बताना चाहता हूँ। ठीक है, तो इसको जब मैं अपने शोरूम में गया यहाँ यामा के, तो उन्होंने काफ़ी सारी प्रॉब्लम बताई। तो यामा के शोरूम में जाने के बाद उन्होंने मेरे को सबसे पहले बैटरी का इशू बताया। ठीक है, तो मैंने कहा चलो ठीक है, बैटरी का इशू लगता है तो आप बैटरी चेंज कर लीजिए। ठीक है, मेरे को कोई अपनी तरफ से बैटरी डाल दीजिए, बैटरी मेरे को कोई दिक्कत नहीं है चेंज कराने के लिए। ठीक है, तो उन्होंने मेरे को बैटरी चलो दे ही दी, तो उसे मैंने टेस्टिंग किया तो वह प्रॉब्लम गई नहीं 46 की जो एरर थी। ठीक है, वो लाइट बार बार ब्लिंक हो रही थी, तो ब्लिंक आती गई, तो मैं सोचा कि चलो छोड़ो। फिर से मैं उनको ये बात ले गया, तो उन्होंने कहा कि एक दिन के लिए मैं बाइक चाहिए। मैंने कहा ठीक है, तो रखिए आप, देखिए मेरे को बताइए क्या इसमें प्रॉब्लम है, पर मेरे को शॉर्ट आउट चाहिए। तो उन्होंने कहा कोयले चेंज की है। ठीक है, मैंने कहा ओके। तो और उसके बाद उन्होंने क्या कहते हैं, कह रहे आपका फ़ैन जो है वो चल नहीं रहा। ठीक है, हीटिंग की प्रॉब्लम है और जो आपका फ़ैन है वो वर्क नहीं कर रहा। तो उन्होंने फ़ैन का जो रिले होता है, ठीक है, तो उन्होंने रिले भी चेंज करके दिखा। ठीक है, फिर तो उनके कई भी थर काफ़ी कोशिशें करने के बाद यार उनके कुछ पल्ले नहीं पड़ा यार। मेरे को फिर थोड़ा डाउट होने लगा यार यहाँ सही नहीं है। ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ कि किसी दूसरे जो पर मैंने खुद अपना थोड़ा दिमाग लगाया, थोड़ा देखा कि जैसे मैं अपने हेडलाइट की पावर ऑन करता था, ठीक है, तो वो जो अपना येलो लाइट ब्लिंक करती थी 46 का जो एरर शो करता था, ठीक है, वो बंद हो जाता था। ठीक है, तो मैंने उससे ये जाना कि जो बैटरी का जो पावर आ रही है इंजन के थ्रू वो कुछ ज़्यादा आ रही है। जैसे हेडलाइट ऑन करते हैं तो उसमें डिवाइड हो जाता है, ठीक है, तो ऑटोमेटिक वो सही हो जाता था। ठीक है, तो मेरे को हेडलाइट करके मेरे को 2-3 दिन चलाना पड़ा था। तो मैंने इससे बात की, तो मैंने अपना फिर रेक्टिफायर चेक किया। ठीक है, क्या कि एक मल्टीमीटर लिया और उसको बैटरी पे लगाया। ठीक है, तो उसके बाद बैटरी की वोल्टेज तो नॉर्मल आती है, 13-14 वोल्टेज जो भी है। ठीक है, और स्टार्ट करके मैंने देखा तो स्टार्ट जैसे किया उसमें मैंने उसमें बाइक स्टार्ट की और उस पर स्टार्ट करके एक्सीलेटर दिया। ठीक है, तो उसमें जो वोल्टेज थी ना वो क्या कहते हैं, कभी 17, 18, 20, 21, 22 इतनी वोल्टेज ओवर हो जाती थी। तो मैं ये लगा कि हाँ जो इसका जो चार्जिंग यूनिट है रेक्टिफायर, ठीक है, तो उसमें प्रॉब्लम है, उसी की वजह से जो अपना है जो वोल्टेज ओवर आ रहा है, तो उसी से बाइक अपनी जो है बंद हो रही है। ठीक है, तो मैंने अपना ऑर्डर किया। ठीक है, तो मैंने मंगाया तो उसको चेंज किया, तो रेक्टिफायर मैंने चेंज करने के बाद फिर मैंने 2 दिन अच्छे से टेस्ट लिया खुद ही। ठीक है, टेस्ट करने पे हाँ इतना सॉल्व हो गया कि हाँ वो फिर से मतलब जो ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम थी वो दोबारा नहीं आई। तो मैंने अपना बाइक पैक किया, ठीक है, तो अपना चलाया। और जो रेक्टिफायर था वो मुझे पड़ा था 890 रुपये का लुधियाना से। ठीक है, तो वैसे यहाँ यामा की एजेंसी में गया था तो उन्होंने मेरे को काफ़ी ज़्यादा खर्चा बता दिया था, करीबन 1200 की। तो उन्होंने बोला वायरिंग चेंज होगी, तो 1200 की तो वायरिंग होगी। ठीक है, कोयले वगैरह सभी, रिले वगैरह सभी, मतलब मान के चलो 4-5 हज़ार के लमसम उन्होंने खर्चा बता ही दिया था। और वीडियो के लास्ट में आपको मैं दिखा देता हूँ 46 का एरर कैसा होता है और मैंने कैसे मल्टीमीटर से उसको चेक किया। ठीक है, वोल्टेज वगैरह कैसी आ रही। ठीक है, वो आपको वीडियो के एंड में शो हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो मिलते हैं वीडियो में। 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये है रेक्टिफायर यूनिट। इसे चार्जर यूनिट भी कहते हैं क्योंकि जो इंजन से जो पावर निकलती है ना वो यहाँ से कन्वर्ट होके अपने डीसी वोल्टेज में, ठीक है, बैटरी में आती है। तो आपने वीडियो तो देख ही लिया होगा, जब मैं एक्सीलेटर दे रहे थे उस पर वोल्टेज सारा दिखा रहा था। ठीक है, जो एक्चुअली होता है जो अपना वोल्टेज वो 14.7 तक होना चाहिए, ठीक है, लास्ट, उससे ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर उससे ऊपर हो रहा है तो मान लीजिए आपका रेक्टिफायर ख़राब है। ठीक है, अगर आप उसको जल्दी से जल्द ठीक नहीं कराते तो इंजन में काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ जाती है। ठीक है, माइलेज को लेकर आ जाती है, पिकअप को लेकर आ जाती है। अगर आपके बाइक में येलो लाइट आती है तो आप उसे तुरंत चेक करिए, ठीक है, या करवा लीजिए किसी से। ठीक है,
नहीं तो इससे क्या होता है, प्रॉब्लम को काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उससे अपना एक्सपेंस भी बढ़ जाता है। ठीक है, इस तरह की रिलेटिव जानकारी के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा।